आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, जीएसओ वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं और साथ में आईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए, और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से क्या आपको लगता है कि गुटबाजी जो हुड्डा बीच हुड्डा कैंप और सेल्जा के बीच रही, वो एक बड़ा कारण रहा? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाएं, तो उस चीज का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से वेणुगोपाल जी आगे समय बताएंगे।